गाइस जितने भी स्टूडेंट ने B2P के लिए इवेंट सिम का एग्जाम दिया है तो फाइनली सभी स्टूडेंट के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर B2P इवेंट सिम का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो फाइनली गाइस आज की डेट में आपके रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपका रिजल्ट आज की डेट में जारी किया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ गाइस, मैं आपको ऑफिशियली दिखाने वाला हूँ, मैं आपको खुद से कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आपने बोला था रिजल्ट आज की डेट में आएगा, तो रिजल्ट आज की डेट में क्यों नहीं आया है। तो गाइस सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें पूरी गलती B2P की है। B2P को अब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए था, लेकिन डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। अगर हम आपको बोलेंगे कि चलो बच्चों ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, कुछ स्टैंड लेते हैं आपके लिए, तो लेकिन आपको ऐसा करना भी नहीं होता है। तो ऐसे में गाइस आप रिजल्ट का वेट करो तब, लेकिन जो हमारे पास अपडेट आएगी, जो हमारे पास ऑर्गेनिक बच्चे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको पल पल की अपडेट देने का काम करते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 30 से अक्टूबर पहले के सप्ताह के बीच में आएगा परिणाम। और यहाँ पे गाइस जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाए, मूल्यांकन पूरा करने की सख्त निर्देश दिए गए हैं, प्रयास है 30 सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए। किन्हीं कारणों से यदि परिणाम में देरी होती है कि अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जाएगा। मतलब कि गाइस यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है कि 13 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर कोई बहुत बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, तो आपका फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। लेकिन गाइस मोस्टली चांस आज की डेट में ही सितंबर में ही रिजल्ट आपका आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि B2P ने आज तक जब भी इवेंट सिम का रिजल्ट जारी किया है तो सितंबर महीने में ही जारी किया है। तो ऐसे में आज की डेट में मोस्टली चांस है गाइस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना रिजल्ट कहाँ से चेक करना है, तो प्लीज़ फॉलो करना, अदरवाइज आप यहाँ वहाँ भटकेंगे, अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगा, कोई टेलीग्राम ग्रुप में बुलाएगा, कोई कहीं पर बुलाएगा, आपको प्रॉब्लम आती जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ प्लीज़ फॉलो करना, और वैसे एक बार से आप चेकआउट भी करना कि ऐसे आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो गाइस आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आना होगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा kvkzabua.org। गाइस यहाँ पे देखिए kvkzabua.org आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे सही से स्पेलिंग को मैच करना होगा। इसके बाद आपको सर्च करना होगा गूगल बार में। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपके सामने KVK की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पे आ जाते हैं। नए पेज पे आने के बाद गाइस ऐसा इंटरफेस आता है, आपको नीचे आना होगा। अब यहाँ पे जैसे गाइस आप नीचे यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपको सर्च बार में आना होगा। सर्च बार में आपको सर्च करना होगा BTUP। यहाँ पे देखिए सर्च बार है ना, आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्च बार में आप सर्च करेंगे BTUP। जैसे BTUP आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए BTUP रिजल्ट आउट, यहाँ पे लिंक दिया गया है ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जस्ट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पे आ जाते हैं। नए पेज पे आने के बाद गाइस जस्ट आउट आपको नीचे आना होता है। नीचे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे कई ऐसी लिंक्स हैं जहाँ जो अवेलेबल हैं। यहाँ पे लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा गाइस कि अभी फर्स्ट लिंक एक्टिवेटेड है, मतलब कि आप सब इस लिंक पर जाकर अपने रिजल्ट के बारे में पता कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। और गाइस अगर आप चाहते हो वीडियो नहीं देखना तो आप यहाँ पे विजिट करो और लगातार चेक करते रहो, क्योंकि रिजल्ट जब भी आपका आएगा तो यहीं पे आएगा। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस तो ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पे जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे दिखने लग जाएगा इवेंट सिम पर। तो आप इस प्रकार से भी अपने रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे थर्ड लिंक और फोर्थ लिंक भी एक्टिवेट हो जाएंगी, जहाँ से आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। अदरवाइज आपको कहीं पे और नहीं जाना है, कोई टेलीग्राम ग्रुप में बुलाएगा तो सरासर स्कैम होता है गाइस, आप समझ के चलना। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो प्लीज सपोर्ट करना, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपकी आगे भी हेल्प करूंगा, अभी बहुत से प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, तो प्लीज इतना काम करके चलना। बाय बाय, टेक केयर।